सीबीआई ईडी एक्शन पर आपका बब्बर शेर फुल एक्शन में। केजरीवाल के तरफ से संभाला मोर्चा। जी हां, आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं पर सिलसिलेवार सीबीआई ईडी और आईटी की रेड के मसले पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। शनिवार को सिंह ने ट्वीट किया, वैसे मेरा एक सुझाव था, अगर विपक्ष के सारे नेताओं का एनकाउंटर करा दिया जाए तो कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुकून से 8 घंटे सो पाएंगे। ना विपक्ष रहेगा ना लोकतंत्र, बचेगी तो सिर्फ तानाशाही। समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुजरात के अहमदाबाद में पत्रकारों से कहा, महात्मा गांधी के देश में अहिंसा के मार्ग की जगह बुलडोजर ले चुका है। छापेमारी की परंपरा कांग्रेस की ओर से चालू की गई थी, बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। सीबीआई, ईडी और आईटी सरीकी एजेंसियां और संस्थाएं सरकार के इशारे पर काम करती हैं। उन्होंने आगे बताया कि ईडी का अर्थ अब एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी है, आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। बीजेपी कांग्रेस के रास्ते पर चल रही है और वह कोई नया काम नहीं कर रही है। भगवान कृष्ण ने जहां यमुना के किनारे जन्म लिया था, उन्होंने आखिरी सांस गुजरात में ली थी। यह रिश्ता यहां का और उत्तर प्रदेश वालों का है। उधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शनिवार जेल से भेजे अपने पैगाम में साफ कर दिया कि तिहाड़ में कैद के जरिए उन्हें कष्ट दिया जा सकता है, मगर हौसले को नहीं तोड़ा जा सकता। दरअसल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने उन्हें दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बनाने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि इसी हफ्ते की शुरुआत में ईडी ने भी उन्हें अरेस्ट कर लिया था। हालांकि यह नीति रद्द की जा चुकी है, जबकि सिसोदिया ने सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।